पायलट की खत्म होने के बाद दो में हम लोगों ने स्पीक रेलवे का कैंपेन चलाया तब ससुरा एग्जाम लिया एग्जाम लेने के बाद क्या किया रिजल्ट नहीं दिया फिर दिसंबर 2021 में हम लोग कैंपेन किए मिलियन ट्वीट किए रिजल्ट में कहा था बीस गुना देंगे तीन से चार गुना रिजल्ट दिया है और कह रहा है कि बीस गुना है कैसे किया इतना बड़का चोर है ससुराली कि एक लड़का का एक कैंडिडेट का चार जगह चार चार बार रिजल्ट दिया और उसको चार जगह गिन रहा है देखो चार गुना है यहाँ पे आप

कि चलो पैटर्न को देखना है और ये 2019 का है ये 2022 में किसको पता रहता है क्या होगा क्या नहीं रहेगा तो एक आदमी का च, तीन तीन चार चार जगह रिजल्ट दे रहा है अब सर को तो ऑलरेडी जॉब छोड़ के आए हैं और उसके बाद से कहाँ जॉब करेंगे इनका तीन तीन जगह रिजल्ट दिया बताइए अरे भैया पहले रिजल्ट दे देते सबका एक लिस्ट निकालते जिसका जैसा नंबर उस हिसाब से रिजल्ट देना चाहिए था लेकिन नहीं सोच रहा एक के बार में तीन आदमी का दे दिया बाद में सिलेक्शन एक ही जगह का होगा यहाँ पे जो सीट बच जाएगी उस सीट को बेच दिया जाएगा ब्लैक में वहां पर यही तो हो जाता है यहाँ पे रेलवे वाले भी सब पिकुलियर है पिकुलियर नहीं वो कहिए पिकुलियर के पावर इन है जैसे हम लोग सर एग्जाम में बैठते रहते हैं कि पैटर्न देखते हैं कि जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो उस पैटर्न पर आ रहा है कि नहीं और क्या दिया जाए तो हम दिए तो ये देखिए तीनों जगह हमको दिया गया जिस प्रकार के पीछे बार जो एनटीपीसी में दिया रिजल्ट जैसे पहले पीटी लिया गया उसके बाद फिर पीटी में सबका रिजल्ट हुआ उसके बाद मेंस में फिर साइको दीजिए अपना पोस्ट बाई पोस्ट जिनका टाइपिस्ट टाइप टाइपिंग था वो टाइपिंग दिया लेकिन अभी कहा किया कि सर पहले ही बार पीटी में ही पोस्ट वाइज कर दिया लेकिन ऐसे सरकार को नहीं करना चाहिए था रेलवे चेयरमैन को मेन था कि सर पहले पीटी में सबका क्लियर कर देता बीस गुना सिर्फ नाम मात्र का लगभग तीन से चार गुना जैसे एक ही विद्यार्थी को पांच बार गिना जा रहा तो चार पंचम बीस गुना उसी को कर दिया देखिए इसमें एक और समस्या क्या है इंटर वालों को तो पूरा बर्बाद कर दिया है इंटर वालों को तो मतलब ऐसा बर्बाद किया जिसका कोई हद नहीं ग्रेजुएशन वालों को तो थोड़ा बहुत बक्सा भी है इस वजह से देखिए दूसरा है कि हम लोग जो थ्री टीचर पॉलिसी थी कि भाई एक पहले हम पढ़ा देते थे सारे टीचर पहले एक बार पढ़ाते फिर दूसरे टीचर आएंगे उसको रिविजन कराएंगे तीसरे टीचर आके उससे क्वेश्चन पूछेंगे और जो ऑफलाइन में आएंगे लड़के उनके लिए तो फोर टीचर पॉलिसी रखे एगो स्पेशल टीचर लाठी लेके खाली पीटने के लिए वहां पर लेकिन बड़ा तकलीफ होता है इतना मेहनत करने के बाद भी लड़कों के लिए जब जान के बर्बाद किया जाता है इस तरह से तब ये तब काफी ज्यादा तकलीफ होती है आप लड़कों के लाइफ से खेल रहा है और इसके लिए लड़के आप टेंशन नहीं लेंगे आपके एग्जाम के लिए रिजल्ट के लिए हम लोग साथ खड़े थे आपका जब फोटो रिजेक्ट किया था जो काले लड़के थे उनका फोटो रिजेक्ट कर दिया था चार साढ़े चार लाख लड़कों का तीन महीना लड़ा आदमी लेकिन रिजल्ट वापस लेके आया था उनका नोटिफिकेशन लिंक इसको भी सुधारा जाएगा और एक स्टूडेंट क्या कह रहा था कि सर आप हम लोग के लिए आवाज़ उठाइए अरे यार, यार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाए हम किस समय आपकी आवाज नहीं उठाएं जब भी आपके साथ कोई समस्या होगी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे और जिस दिन खान सर आपके लिए आवाज नहीं उठाएं उस दिन समझ जाइए कि ऊपर वाले ने खान सर को उठा लिया हम लोग बहुत जल्दी इसको वेल तरीके से सारे टीचर्स के साथ हम भी सबको कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति है इसको कैसे सुधारा जाएगा सुधार के हम लोग लिया जाएगा आई होप आप अपना उम्मीद नहीं खोएंगे आगे फिर से जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी में लगे रहेंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय